हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल DMS बेस्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं एक अलग टॉपिक पर। ये टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, टॉप 10 बीटेक ब्रांचेस इन इंडिया। इसके अंदर स्किप मत करना, वीडियो को बताता हूँ अच्छे से। तो हम इसके अंदर देखेंगे इंडिया के अंदर टॉप 10 बीटेक ब्रांचेस। अभी एमटेक के लिए भी, एमटेक तो वही जो बीटेक जिसमें करेंगे वो एमटेक उसी में करेंगे, और ये डिप्लोमा के लिए भी है, तो इसको पूरी देखना। और दूसरी बात यह कि कोई भी ब्रांच इसमें अगर आप देखोगे 10 नंबर या 1 नंबर, इसका ये मतलब नहीं है कि 1 वाली है तो ज़्यादा अच्छी है या 10 वाली है तो ख़राब है। कोई ब्रांच अच्छी या ख़राब नहीं होती, सब अपने ऊपर होता है, इंटरेस्ट के ऊपर है और अपने हार्डवर्क के ऊपर है। तो अब इसको देख के फॉलो मत करना आप। जैसे नंबर 1 वाला जो होगा उसको ऐसा नहीं होगा कि उसका पैकेज, ये मैंने उसके अकॉर्डिंग बनाया है, आजकल जो चल रहा है आजकल के टाइम में उसका स्कोप कितना है, किस ब्रांच का कितना स्कोप है, उसके बेस पर मैंने बनाया है। प्लेसमेंट पैकेज, स्कोप, प्लेसमेंट रेट और सब, इन सब से रिलेटेड जितना स्कोप है ज़्यादा या कम है। सिर्फ कोई ब्रांच ख़राब नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो नंबर 1 वाला है उसी में अब सारे जाने लगो, अब जिसमें इंटरेस्ट हो उसी में जाओ। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, अगर साइंस के स्टूडेंट को हिस्ट्री पढ़ाओगे तो उसको चाहे कितना ही बड़ा टॉपर वो हिस्ट्री नहीं पढ़ेगा, उसको इंटरेस्ट नहीं है उसमें, हिस्ट्री उसको बोरिंग लगेगी। और हिस्ट्री का टॉपर को साइंस पढ़ाओ नहीं इंटरेस्ट होगा उसको, तो अपने इंटरेस्ट में जाओ। तो वही बात है, अब ऐसा नहीं है कि अब देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक भी कर दो। तो इस और इसके अंदर ब्रांच की, जो ब्रांच बताऊंगा उसकी फुल डिटेल भी बताऊंगा, और ब्रांच वाइज IIT NIT और अदर गुड कॉलेज की प्लेसमेंट भी बताऊंगा कि इसमें एवरेज पैकेज और हाईएस्ट पैकेज बताऊंगा। जैसे एक सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस जितने भी ब्रांच अभी आएंगे उनके दिखाऊंगा कि IIT में कितनी जाती है अप्रॉक्स, NITs में कितनी जाती है और अदर कॉलेजेस में कितनी जाती है प्लेसमेंट अप्रॉक्स। तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो स्टार्ट कर दिया। नंबर 10 पे आता है बायोटेक्नोलॉजी। वैसे ब्रांचेस बहुत सारे हैं लेकिन हम कुछ मेजर ब्रांचेस ले रहे हैं जो बहुत से मोस्टली सभी कॉलेज में मिल जाता है, सभी IIT NIT में है, तो बहुत सारे ब्रांचेस। तो 10 नंबर पे आता है हमारा बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। तो IIT में इसका हाईएस्ट पैकेज चला जाता है 35 to 40 lakhs। अब न्यूअर IIT में बायोटेक्नोलॉजी नहीं है तो अच्छे IIT में ही है, टॉप के जो IIT है उनके अंदर ही बायोटेक है, और उसके अंदर हाईएस्ट पैकेज चली जाती है 35 lakh to 40 lakh, और एवरेज पैकेज जाती है 10 lakh to 15 lakh। ऊपर नीचे भी हो सकती है ये, और डे बाय डे मतलब एवरी ईयर प्लेसमेंट इंक्रीज ही होती है। अभी ये लास्ट ईयर के डेटा हैं ये सब। टॉप NITs में इसकी क्या प्लेसमेंट रहती है, टॉप NITs की ले रहा हूँ, लोअर NITs की नहीं ले रहा हूँ, लोअर में होती भी नहीं है बायोटेक। हाईएस्ट पैकेज जो इसका जाता है टॉप में 15 to 20 lakhs पर एनम का जाता है, और एवरेज पैकेज 8 to 10 lakhs का पर एनम का जाता है, बहुत ही अच्छा है। अब इसके बाद अदर गुड कॉलेजेस में एग्जांपल के लिए आ जाएगा, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, वैसे उसमें बायोटेक्नोलॉजी नहीं है एक ब्रांच, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, या फिर DTU हो गया, NSIT हो गया, मतलब अदर जो IIT NIT के अलावा जो अदर ब्रांचेस है, बिरला इंस्टीट्यूट हो गया जो मेसरा में है रांची में, उसमें हाईएस्ट जाता है 8 to 10 lakhs पर एनम, और एवरेज जाता है 3 lakh to 5 lakhs पर एनम के बीच में। अब इसके बाद 9th नंबर की जो ब्रांच है वो है मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। तो इसके अंदर हम देखते हैं क्या प्लेसमेंट रहती है। वैसे कोई ब्रांच ख़राब नहीं है, अगर इंटरेस्ट इसके अंदर है बायोटेक में, अगर इंटरेस्ट है किसी का तो बायोटेक में ही जाए, ज़रूरी नहीं है कि टॉप में चला जाए जो इसमें देख के। तो IIT में इसका जो हाईएस्ट पैकेज जाता है 35 to 40 lakhs, इससे ऊपर भी जा सकता है, इससे कम भी रहता है, तो ये एक एवरेज आइडिया है, अप्रॉक्स आइडिया। एवरेज पैकेज इसका जाता है 15 to 20 lakhs पर एनम का, जो कि बहुत ही अच्छा है, और टॉप NITs में इसका जो हाईएस्ट पैकेज जाता है 15 to 20 lakhs पर एनम का जाता है, और एवरेज पैकेज जाता है 8 to 10 lakhs पर एनम का टॉप NITs में। लोअर NITs में ये ब्रांच होती भी नहीं है। अदर गुड कॉलेजेस में हाईएस्ट पैकेज जाता है 8 to 10 lakhs पर एनम का, और एवरेज पैकेज जाता है 3 to 5 lakhs पर एनम। अब चलते हैं हमारे 8th नंबर के केमिकल इंजीनियरिंग पे। तो केमिकल इंजीनियरिंग इस टाइम पे सिविल इंजीनियरिंग से थोड़ा बेटर हो गया है इस टाइम पे, वैसे है नहीं बेटर क्योंकि थोड़ा सा लॉकडाउन, कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क रुका हुआ है और केमिकल वर्क ज़्यादा चल रहा है, चाहे वो सैनिटाइज़र हो या कुछ भी हो मेडिसिन से रिलेटेड। हाईएस्ट पैकेज इसका 35 lakh to 40 lakh के बीच में रहता है, और एवरेज पैकेज इसका 12 to 15 lakhs में रहता है IITs में। अब टॉप NITs में देख लेते हैं कितना रहता है। हाईएस्ट पैकेज 20 to 50 lakh है। देखो IITs में 40 दिया है क्योंकि मैंने लास्ट ईयर का डाटा देखा है, और हाईएस्ट 50 तक चला जाता है। NIT वारंगल में देखना, केमिकल का 46 गया हुआ है, मैं उसकी वीडियो मैंने पूरी बनाई हुई है NIT वारंगल की, सभी NIT IITs की फुल प्लेसमेंट डिटेल है, जाकर देख सकता है हमारे चैनल पे। तो हाईएस्ट पैकेज की कोई लिमिट नहीं होती, किसी की किसी भी ब्रांच में कितनी भी जा सकती है, और एवरेज पैकेज इसका 8 to 10 lakhs पर एनम का रहता है
टॉप NITs, क्योंकि लोअर NITs में लोअर ब्रांच नहीं है जो न्यूअर NITs है। अदर गुड कॉलेजेस में हाईएस्ट पैकेज 10-12 लाख पर एनम का है और एवरेज पैकेज 4-6 लाख पर एनम का है। अब नंबर 7 पे आता है सिविल इंजीनियरिंग। अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं आप सिविल इंजीनियर। ये ओवरऑल एवरेज एक स्कोप वाइज बता रहा हूँ मैं। सिविल इंजीनियरिंग में IITs की हाईएस्ट पैकेज रहती है 40-50 लाख और IIT मद्रास की 60+ या 50+ गई हुई है सिविल इंजीनियरिंग में। एवरेज पैकेज है 15-20 लाख पर एनम के बीच में IITs की। टॉप NITs में हाईएस्ट पैकेज है 20-25 लाख पर एनम और एवरेज पैकेज है 8-10 लाख पर एनम का। अदर गुड कॉलेजेस में हाईएस्ट पैकेज है 12-15 लाख पर एनम का और एवरेज पैकेज है 5-8 लाख पर एनम का। अब इसके बाद जो कॉलेज ब्रांच है उसको आप सिविल के बाद भी रख सकते हैं, अप्रोक्स दोनों बराबर ही हैं, वो है इंजीनियरिंग फिजिक्स। तो इंजीनियरिंग फिजिक्स के बारे में देखते हैं। जो हाईएस्ट पैकेज जाता है इंजीनियरिंग फिजिक्स में IITs में वो 40 लाख पर एनम का प्लस का होता है, उससे ज़्यादा का होता है। एवरेज पैकेज 12-15 लाख पर एनम का है। टॉप NITs में इसका जो पैकेज जाता है हाईएस्ट पैकेज 20-25 लाख पर एनम का और एवरेज जाता है 8-10 लाख पर एनम का। अदर गुड कॉलेजेस का प्लेसमेंट देखते हैं। हाईएस्ट पैकेज जाता है 15-20 लाख पर एनम का और एवरेज पैकेज जाता है 6-8 लाख पर एनम का। ये कहीं से, ये खुद से मैंने बहुत से, इतने दिन से मैं वीडियोस बनाता आ रहा हूँ कॉलेजेस के ऊपर, तो मुझे इतना नॉलेज हो गया और मैं बहुत सारी जगहों से सर्च करके भी, पता करके, रिसर्च करके ये सब बनाया और डिटेल मैंने निकाली है। तो ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये बिल्कुल सही रहते हैं। अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी अगर मैं किसी चीज़ की बताता हूँ तो 99% वो बहुत एक्यूरेट रहते हैं या तो बहुत ही क्लोज रहते हैं। फिफ्थ पे आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग। अब एरोस्पेस को इसलिए करके रखा है क्योंकि एरोस्पेस मोस्टली बहुत कम ही कॉलेज में होता है एरोस्पेस अवेलेबल, लेकिन मैकेनिकल सभी में होता है मोस्टली। तो एरोस्पेस के लिए अब अलग से तो बना नहीं सकते थे कॉलम, तो उसको मैकेनिकल के साथ में ही डाल दिया। वैसे मेनली हम मैकेनिकल पर ही है। तो हाईएस्ट चला जाता है इसका 50 लाख पर एनम का और एवरेज पैकेज जाता है 15-18 लाख पर एनम का IITs में। टॉप NITs में मैकेनिकल का जाता है हाईएस्ट 25-35 लाख पर एनम का और एवरेज जाता है 10-12 लाख पर एनम का। अदर गुड कॉलेजेस का जाता है हाईएस्ट पैकेज 20-25 लाख पर एनम का और एवरेज पैकेज जाता है 8-10 लाख पर एनम का। अब इसके बाद चलते हैं अब जैसे अब मैंने बताया था अदर गुड कॉलेज में DTU आ गया, NSIT आ गया, जामिया आ गया या फिर अन्ना यूनिवर्सिटी, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, BIT बिरला इंस्टीट्यूट हो गया। तो अब इसके अंदर आप बोलोगे कि जामिया में तो 8-10 ही बहुत ज़्यादा हो गया, तो जामिया में इससे कम रहता है और DTU में इससे ज़्यादा रहता है। तो एवरेज, ओवरऑल एवरेज हो गया ना बैलेंस, तो ये एवरेज बताया मैंने अदर गुड कॉलेजेस के। अब फोर्थ नंबर पे आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर EEE, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। दो ये अच्छी ब्रांच होती है इलेक्ट्रिकल। तो टॉप 5 ब्रांचेस में आ ही गए हैं हम लोग देखने के लिए। इसमें IIT का हाईएस्ट पैकेज 50 लाख से 1 करोड़ से ऊपर का जा सकता है, क्योंकि अभी जो 1 करोड़ से प्लस के पैकेज गए हुए हैं जो प्री प्लेसमेंट हुए हैं 2022 में, उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल के भी हैं। एवरेज पैकेज है 18-25 लाख पर एनम प्लस का रहता है। ए इसमें लिखना भूल गया, LPA लाख पर एनम। टॉप NITs में हाईएस्ट पैकेज इसका 40-45 लाख पर एनम का रहता है। अगर इलेक्ट्रिकल मिले तो ऐसा नहीं है कि छोड़ दो यार, इलेक्ट्रिकल बहुत ही अच्छी ब्रांचेस की कट ऑफ बहुत ही हाई रहती है। एवरेज पैकेज 12-15 लाख पर एनम का रहता है टॉप NITs में। अदर गुड कॉलेजेस में हाईएस्ट पैकेज 40 लाख तक चला जाता है इसका और एवरेज पैकेज जो रहता है इसका 10-12 लाख पर एनम का रहता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब नंबर 3 पे आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ECE। इसमें हम देखते हैं इसकी डिटेल्स। तो ECE में IIT का हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़ से ऊपर जाता है, ये तो सिंपल है, जाएगा ही। सैमसंग है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो IT सेक्टर की होती हैं वो ECE को भी लेती हैं, हायर करती हैं ECE ब्रांच में। हाईएस्ट पैकेज इसका 1 करोड़ प्लस है। एवरेज पैकेज 20-25 लाख पर एनम का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। 25+ भी चला जाएगा और इस बार तो जाएगा ही, क्योंकि डे बाई डे, ईयर बाई ईयर इंक्रीज़ होती है प्लेसमेंट। टॉप NITs जो 2022 के अब आएंगे प्लेसमेंट, देखना सब कॉलेजेस की प्लेसमेंट मैं लेके आऊँगा वीडियो, उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करना। देखना सबकी इंक्रीज़ हुई होगी लास्ट टाइम से, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हम जब पास आउट होंगे तब और ही ज़्यादा प्लेसमेंट हो जाएगी। टॉप NITs हाईएस्ट पैकेज है 45 लाख पर एनम का प्लस एड, उससे ज़्यादा, और एवरेज पैकेज जाता है 15-20 लाख पर एनम का। अदर गुड कॉलेजेस हो गए, उनमें जाता है हाईएस्ट पैकेज 45 लाख पर एनम का या फिर उससे ज़्यादा और एवरेज पैकेज जाता है 12-15 लाख पर एनम का। उससे ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन ये एक अप्रोक्स आइडिया है। सेकंड पे है ITAIDS। IT आपको पता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, AI है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और DI डेटा साइंस, या आजकल जो भी जो नई ब्रांचेज आ रही हैं वो सब हैं ये।
तो इसको मैंने अलग से बना दिया है इसके अंदर हाईएस्ट, क्योंकि आजकल ये सारी ब्रांचेज ऐड हो रही हैं। हाईएस्ट पैकेज इसका 1 करोड़ प्लस रहता है, सिंपल सी बात है, आप सबको पता है। एवरेज पैकेज इसका 25 लाख पर एनम कर प्लस का रहता है। टॉप एनआईटीज में इसका हाईएस्ट पैकेज 55 लाख प्लस का है, और एवरेज पैकेज इसका 20 से 22-25 लाख पर एनम तक रहता है। अदर गुड कॉलेजेस में हाईएस्ट पैकेज इसका 45 प्लस रहता है, और एवरेज पैकेज 12-15 लाख पर एनम प्लस का रहता है। अब फाइनल है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आप सबको पता है ये बेस्ट ब्रांच है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में देखते हैं, प्लेसमेंट देख लेते हैं। हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़ प्लस का रहता है। एवरेज यार प्लेसमेंट चाहे तो सिविल से भी 1 करोड़ प्लस का ले सकते हैं, हाईएस्ट पैकेज की कोई लिमिट नहीं होती। हाईएस्ट एवरेज पैकेज इसका 25 लाख प्लस का होता है, अब 30 लाख प्लस जाएगी इस साल। टॉप एनआईटीज में हाईएस्ट इसका 55 प्लस रहता है, एवरेज इसका 20 से 25 लाख पर एनम प्लस का रहता है। अदर गुड कॉलेजेस में हाईएस्ट इसका 45 प्लस रहता है, एवरेज इसका 15 प्लस रहता है अदर गुड कॉलेजेस में। तो यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अगर जरा सही पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसी ही वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए भी सब्सक्राइब करना। और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, और इंस्टा की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, हमें DM कर सकते हैं वहाँ पे कोई भी अगर डाउट हो या कुछ पूछना या बताना हो। और अगर कोई भी इस लिस्ट से एग्री ना हो कहीं भी तो कमेंट करके जरूर बताना, या फिर वो उसकी खुद की चॉइस होगी। ये तो मेरी एक रिसर्च थी, रिसर्च था जो मैंने अपने ऊपर बनाई थी, और कोई भी ब्रांच बुरी या ख़राब नहीं होती, सब अपने इंटरेस्ट के ऊपर होता है। अपना इंटरेस्ट देखो और उसी में जाओ आगे। तो हमारी वीडियो यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट।